आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए एग्जिट पोल आए हैं और सभी एग्जिट पोल्स के अंदर भी, पोल्स ऑफ एग्जिट पोल के अंदर भी जो हम एवरेज निकालते हैं, हर एक में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत की ओर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के और हरियाणा में अकेले अपने उस पे, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी ने जो हाथ बदलेगा हालात, भारत जोड़ने की उनकी मुहिम, जो मोहब्बत का उन्होंने संदेश दिया, किसान मजदूर गरीब नौजवान के साथ वो खड़े हुए, दलित वर्ग अकलियत जहां भी जिसको पिछड़े को जरूरत पड़ी उनकी आवाज उन्होंने जिस मजबूती से उठाई, कुछ असर उसका लोकसभा में हमने देखा। लोकसभा में पहले के मुकाबले डबल सीटें हुई, हरियाणा में कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी थोड़े थोड़े वोटों से हारी और अब मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों ने बड़ा जनादेश जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है, हमारी गारंटियों के ऊपर विश्वास किया और वो गारंटी अब जमीन पर उतरे उसके लिए मिलकर के प्रदेश का जो नेतृत्व, और मैं समझता हूं कि यहाँ का किसान मजदूर जो भी है, हमारे सभी साथी कर्मचारी वर्ग, वो खुशहाली की और जो संकल्प लेकर के उन्होंने हमें जनादेश दिया है उस पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। पिछले काफी समय से जद्दोजहद चल रही है मुख्यमंत्री को लेके, और इस तरह की बातें भाजपा ने भी की है, कांग्रेस ने की, कि दलित मुख्यमंत्री हो, वो महिला हो, इस तरह के विकल्प सामने आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला तो राहुल गांधी जी ने कहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो खड़गे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि 36 बिरादरी की सरकार होगी, जो नीतियां बनेंगी कार्यक्रम बनेंगे वो 36 बिरादरी को बेनिफिट देने के लिए होंगे। हरियाणा का जो सर्वांगीण विकास होगा, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश होगी, तो ये बड़े मुद्दे हैं। अगर बिरादरी 36 हम कहते हैं तो उसमें सैकड़ों कास्ट है, तो हर उससे तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी बहुत सोच समझ करके फैसला करेगी और ये तो कलेक्टिव डिसीजन है, मुख्यमंत्री का तो चेहरा एक होगा, तो इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि आज हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस को चुना है और जो कमल का फूल जिसने खिलते ही जो है हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर हर वर्ग का शोषण किया, किसानों को 1.5 साल तक बॉर्डर पर बिठाने का काम किया, 750 किसानों की शहादत ले ली, अग्निवीर योजना के माध्यम से जो है वो फौज को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश रही, हमारे नौजवानों को रोजगार न मिले, आज लाखों पद जो है वो हरियाणा और पूरे देश के अंदर खाली पड़े हैं, तो इन सब चीजों का गुस्सा। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था खराब थी, नशे का प्रचलन बढ़ गया है, हमारे बॉर्डर का इलाका है, सब जगह यहाँ डबवाली है, काला वाली है, इन इलाकों में रोज एक दो मौत जरूर नशे की वजह से होती है, तो इन मुद्दों के खिलाफ बॉर्डर के इलाके ने भी और यहाँ से लेकर के राजस्थान पंजाब के बॉर्डर से लेकर के हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के उत्तर प्रदेश जो ब्रिज भूमि है वहां तक चले जाए और हिमाचल, और मैं समझता हूं कि आप सहारनपुर तक जाएंगे तो हर दिशा में आपको हाथ कमल के फूल उखाड़ता हुआ दिखेगा और उनको जाकर के श्रद्धांजलि देने का काम हरियाणा के बॉर्डर पर इस बार होने वाला है, तो इसलिए सब लोग बहुत उत्साहित हैं, लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। 1031 कैंडिडेट पूरे हरियाणा में थे, 109 महिलाएं लड़ी चुनाव, और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इक्के दुक्के अपवाद को छोड़ करके सबने बहुत अच्छे से चुनाव में भाग लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बार फिर जब उत्सव मनाने का समय आया तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें, और ये हरियाणा का जो चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, ये आने वाले समय में देश की राजनीति किस तरफ जा रही है ये उसकी ओर भी संकेत करेगा। यहां से जो सूपड़ा साफ हुआ है वो महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली और मैं समझता हूं कि पता नहीं कहां कहां जाएगा, और जो नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत होगा, अब वो देखेंगे कि कैसे कांग्रेस को लोग जो है गले से लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को
किनारे पे बिठा दें। डोंट मिस आउट, लॉग ऑन टू 1india.com फॉर मोर अपडेट्स।